बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ दो ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी और ये दोनों ड्रेस बिन सईद के हैं। इसके साथ दुपट्टा हैवी है, इसके साथ दुपट्टा लाइट है, मगर ड्रेस दोनों बिन सईद के हैं और मैंने दोनों पर मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग की है। क्या डिज़ाइनिंग की है तो जानते हैं इस वीडियो में और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं इसके ट्राउज़र से। इसका ट्राउज़र सिंपल है और इसके साइड में तीन तीन मैंने ट्राइंगल लगाए हैं, डबल शेडेड ट्राइंगल लगाए हैं। दो कलर शो हो रहा है, एक ये डार्क है और एक इसकी ट्राउज़र का है, और ये पूरे शर्ट में इसी का मैंने वर्क किया है। तो ये सिंपल ट्राउज़र है, इसको नहीं खोलूँगी, सिर्फ आपको इसका बॉटम दिखा रही हूँ। और ट्राउज़र आप सब जानते हैं कि मैं किस तरह बनाती हूँ। फ्रंट सिंपल होता है, बैक में इलास्टिक होता है, तो इसलिए ट्राउज़र को नहीं खोलेंगे। सिर्फ मैंने आपको इसका पांचा दिखाना था, वो दिखा दिया। अब मैं खोलूँगी शर्ट और वो इसकी डिज़ाइनिंग आपको दिखाऊंगी। तो स्टार्ट लेते हैं इसकी नेक लाइन से और देखते हैं कि इसके ऊपर मैंने क्या डिज़ाइनिंग की है। पहले तो मैंने इस पर बनाया है बोर्ड नेक गला। बोर्ड नेक गले के बीच में मैंने दी है बूट पाइपिंग, जो इसी के बॉर्डर से उतरा था कपड़ा, उसी की मैंने इस पर बूट पाइपिंग दी है। और इसके बीच में मैंने लगाए हैं टसल्स। आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं, मिरर भी लगा सकते हैं, या इसे सिंपल भी छोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। बट मैंने इसके बीच में दी है बूट पाइपिंग और बूट पाइपिंग के बीच में लगाए हैं ये छोटे छोटे से लटकन। और ये है इसकी फुल लुक ऊपर से। और ये कढ़ाई वाला ड्रेस है, बहुत अमेजिंग ड्रेस है। अब मैं आपको उसका दामन दिखाती हूँ कि ऊपर तो हमने इसको इस तरह पाइपिंग से नीट कर दिया है। और ये है इसका दामन। इसके दामन के बीच में मैंने लगाए हैं डबल ट्राइंगल, यानी कि दो कलर के ट्राइंगल लगाए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ट्राइंगल मैंने किस तरह बनाए हैं और किस तरह लगाए हैं, तो इसकी मुकम्मल वीडियो मेरे फर्स्ट चैनल पर मौजूद है। उसमें मैंने आपको ये ट्राइंगल बनाना सिखाए हैं, आप उस पर आकर सीख सकते हैं और इसका यूज़ भी सीख सकते हैं कि आप इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और उस पर मैंने आपको बनाना भी सिखाए हैं। और इसी के बॉर्डर पट्टी से मैंने इसको ओवरऑल नीट किया है और कहीं पर भी मैंने कट नहीं की पट्टी, एक ही पट्टी को मैंने चारों तरफ घुमा दिया है। और ये किस तरह कोने बनते हैं, तमाम चीज़ें आपको मेरे फर्स्ट चैनल के ऊपर मिलेंगी। हर चीज़ की वीडियो अपलोड है, फिनिशिंग पट्टी लगाने की, ट्रायंगल बनाने की, ट्रायंगल मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ करने की। तो मैंने आपको उसका फुल लुक दिखाया है कि फुल लुक बनने के बाद कुछ इस तरह की लुक दे रहा है। आप इसमें एक कलर की भी बना सकते हैं, आप इसमें तीन कलर की भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। बट मैंने इसमें दो कलर लिए हैं, एक इसी का कलर लिया है और एक ये ब्लू लिया है। और यही ट्रायंगल मैंने इसके स्लीव्स पर लगाए हैं इस तरह, और ये बहुत पहनने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने ड्रेस के ऊपर और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप अपने टेलर से बनवाना चाहते हैं। इसके कुर्ता बाजू है, सिंपल कुर्ता बाजू है। आप यही बाजू बेल बाजू में भी बना सकते हैं। और इसकी गले के ऊपर थोड़ी सी कढ़ाई हुई हुई थी और जो पट्टी मैंने चॉक्स के ऊपर लगाई है उसी पट्टी को मैंने बीच के अंदर पाइपिंग दी है। और अब मैं आपको अपना दूसरा ड्रेस दिखाऊंगी। और ये है दूसरा ड्रेस। इसका ट्राउज़र भी सिंपल है, इसका सिगरेट पैंट ट्राउज़र है, चन्नी के तंग पाँचों वाला सिगरेट पैंट है। तो इसे भी मैं सिर्फ आपको इसी तरह दिखाऊंगी, ऊपर से इसको खोलूंगी नहीं। इसकी मुकम्मल कटिंग, इसकी मुकम्मल स्टिचिंग आपको मिल जाएगी। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग जानना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। और इसका भी स्टार्ट लेते हैं नेक लाइन से, इसके गले से। इसके गले को भी मैंने बोर्ड नेक बनाया है। इसके गले को बोर्ड नेक बना के इसके बीच के अंदर मैंने दी है बूट पाइपिंग। बूट पाइपिंग के बीच में ये जो है ना, दो दो करके मैंने इस तरह ये ट्रायंगल लगाए हैं, ये सिलाइयों वाले ट्रायंगल लगाए हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप सीख भी सकते हैं कि ये किस तरह लगाए हैं, कि बूट पाइपिंग के अंदर ये डबल डबल ट्रायंगल किस तरह शो हो रहे हैं। और पाइपिंग मैंने इसी की दी है, इसी के साइड में एक बॉर्डर पट्टी थी उसी की मैंने पाइपिंग दी है। और ये सिंपल कुर्ता है, सिंपल कुर्ते को आप बीच में इस तरह डिज़ाइन कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल नहीं छोड़ सकते। आप लोगों को दिखाने का सिर्फ यही रीज़न था। और इसकी ये बाजू है, सिंपल बाजू है, सिर्फ इसे फिनिशिंग पट्टी के साथ मैंने नीट किया है और यही वाली पाइपिंग मैंने इसके बीच में लगाई है। और ये देखें, ये सिर्फ इसको फिनिश किया है, एक कहते नहीं है खूबसूरती दी है।
और इस बॉर्डर में कहीं पर भी आपको सिलाई नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इस तरह मैंने इसके बीच में सिलाई लगाई है कि बीच में नुमाया नहीं हो। जो हम अमूमन जो कैजुअल ड्रेसेस पे बार बार सिलाइयाँ लगाते हैं, इसको इस तरह दो तय करके सिलाइयाँ लगाते हैं, तो ऐसा हरगिज मत कीजिएगा। उससे आपके पीस की जो भी लुक होती है वो बिल्कुल आउट हो जाती है। आपने ये फैंसी काम करना है, आपने ये बुटीक वाला काम करना है। ये तमाम चीज़ें बुटीक पे होती हैं, ये वहीं की सारी ट्रिक है और ये वहीं पर जो यूज़ होती हैं, जो मैं काम करती हूँ, ये सब चीज़ आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। आप इसकी खूबसूरती चेक करें। आपकी फिनिशिंग पट्टी भी आ गई, फोल भी आ गया और ऊपर से हर चीज़ की खूबसूरती भी बरकरार है, बॉर्डर्स की, इन कलर्स की। और इससे मुतल्लिक जो बुटीक टिप्स होती हैं, जो हम वहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कहाँ कहाँ सिलाइयाँ होती हैं, कहाँ तुरपाइयाँ होती हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर किसी वक्त उस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाऊँगी। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ सिखाना है आप लोगों को, ताकि आप अपना कोई भी ड्रेस बनाएँ, पहने तो आपको बुटीक स्टाइल लगे कि आपने बुटीक से स्टिच करवाया है। वो तमाम सीक्रेट्स, वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये है इसके चॉक्स। इसके चॉक्स के ऊपर मैंने ओवरऑल फिनिशिंग पट्टी लगाई है, इसी के बॉर्डर की पट्टी लगाई है, क्योंकि ये पहनने में बहुत खूबसूरत लगती है। और पहले ऐसा होता था कि हमारे जो नॉर्मल ड्रेसेस होते थे, हम उसे इस तरह डबल करके सिलाई लगाते थे, जो कि बहुत रॉन्ग है। ये फैशन में है, ये इन है, इसके बीच में कढ़ाई हुई हुई है। और ये पट्टी मैंने आपको लगाना सिखाई, अगर आप लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, अगर आपने देखा होगा तो ये पट्टी मैंने लगाना सिखाई है कि हम किस तरह पट्टी लगाएंगे कि हमारा झोल नहीं आए। और देखिए मेरी पट्टी झोल भी नहीं आए और हमारे ये जो कोने हैं ना, हमारे ये कोने कट नहीं हो। मैंने इस पट्टी को कट नहीं किया, बगैर कट किए ये कोना बनाया है। तो ये थी मेरी आज की दो ड्रेस की डिज़ाइनिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो, आइडिया हुआ हो। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर कुछ पूछना हो तो भी मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमन फॉलो कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। मेरा फर्स्ट चैनल है जिसके ऊपर मैं सिलाई सिखाती हूँ, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, आप सिलाई सीख सकते हैं अगर इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो, एक नए डिज़ाइन और एक नए आइडियाज़ के साथ। तब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।